दिल्ली कंझावला केस में अंजलि की दोस्त निधि लगातार सवालों के घेरे में है। निधि पर लगातार बयान बदलने का आरोप लग रहा है। अब निधि पर एक पुराने केस में गांजा सप्लाई का भी आरोप लगा है। रिपोर्ट देखिए। कंझावला केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब इस केस की एकमात्र गवाह निधि के बारे में नई जानकारी सामने आई है। 2020 में ड्रग्स केस में आगरा से उसे गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहाँ 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ समीर और रवि नाम के दो लड़के भी गिरफ्तार हुए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। कंझावला कांड के बाद लगातार अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में रही है। निधि के ऊपर बयान बदलने के आरोप लग रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, अपने को ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसको अभी रिकॉर्ड खंगाला है, पुराना से रिकॉर्ड खंगाला है, तो वो रिकॉर्ड में निकला बाहर आया है कि उसे सिकंदराबाद की पुलिस ने जो है रेलवे पुलिस उससे गिरफ्तार किया और 10 किलो गांजा ला रही थी। सर वो तो निधि ला रही है ना, हमारी लड़की तो नहीं ला रही ना। निधि से पूछताछ ही करिए जाए ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमारी लड़की के बारे में तो यूँ बताया ना, 10-15 दिन पहले से ही वो जानती थी। हमारी लड़की तो नहीं है ना इस चीज़ में, 3 साल पहले 2020 का वो बता रहे। पुलिस ने हादसे वाले रूट और घटना स्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनमें निधि और अंजलि स्कूटी पर एक साथ देखे गए, जिसके बाद पुलिस ने निधि से पूछताछ की है। निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसकी जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में मैं मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। अंजलि की मौत मामले में सामने आ रहा हर सीसीटीवी फुटेज पूरी घटना को और उलझा रहा है। घटना के 7 दिन बीतने के बाद भी न दिल्ली पुलिस ये साफ कर पा रही है कि असल में पूरी कहानी क्या है, और न ही अंजलि के साथ घटना के वक्त मौजूद उसकी दोस्त कुछ साफ साफ बता पा रही है। साथ ही निधि पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या निधि का क्राइम से पुराना नाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।